तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं फोर लूप के बारे में। देखिए, ऐसे तो फोर लूप को हम बहुत पढ़े हैं और कई बार यूज भी किए हैं, लेकिन आज जो हम बात बताने जा रहे हैं एकेडमिक है, मतलब कि आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, किसी कंपनी में जाते हैं, या फिर एक्सेल या किसी भी प्रोग्रामिंग के एग्जाम्स को अगर आप हैंडल करते हैं तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि मुझे BCA, MCA और इसके अलावा कई सारे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है, और ऐसा इसलिए भी मैं देखा हूं क्योंकि इसको करने के बाद आप लूप को अच्छे तरह से समझ जाते हैं। तो चलिए हम आपके साथ डिस्कस करते हैं फोर लूप के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ एक पिरामिड का, हाफ पिरामिड, जैसे कि 5 स्टार आए, फिर इसमें आपको हो जाए इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4 और इसमें 5। ठीक है, इसको छोटा कर देता हूं तो आप एक पिरामिड के शेप में इसको देखेंगे, इसको डबल क्लिक करके छोटा कर देता। ठीक है सर, असस अब मुझे ये जो पिरामिड आप देख पा रहे हैं मुझे बनाना है। तो इसको कैसे करें, तो आप अगर देख पा रहे हैं कि इसके टोटल नंबर ऑफ रो 5 है, हाईएस्ट कॉलम 5 है। एक पैटर्न को यहां आप देख पा रहे हो कि हर, जैसे कि रो नंबर 1 में एक ही आएगा स्टार, एक ही कॉलम आएगा, एक ही स्टार आएगा। रो नंबर 2 में 2 कॉलन आएगा, रो नंबर 3 में 3 कॉलन आएंगे, रो नंबर 4 में ये आपके 4 कॉलन हो गया, रो नंबर 5 में आपके 5 कॉलन हो गया, राइट। यस तो मैं यहाँ जाता हूँ विजुअल बेसिक पे, लूप प्रोजेक्ट में आता हूँ, इंसर्ट करता हूँ मॉड्यूल्स, और मैं डबल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आप वहां पे इसका इफेक्ट भी देखेंगे। ठीक है, जी, हाँ जी, तो सब्जेक्ट क्वेश्चन नंबर 1, ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो इसके लिए हमने लगाया लूप कि फोर आई इक्वल टू चले 1 2 5, कितना चले 1 2 5, फाइन। 1 से लेके 5 तक, राइट। और यस फिर यहां पे इसको कर देते हैं नेक्स्ट आई, हमने कर दिया नेक्स्ट आई। उसके बाद हमने यहां पे देखा कि जो कॉलन है, क्योंकि रो एंड कॉलन दोनों चलना है, तो 5 रो 5 कॉलन है, लेकिन 5 कॉलन जो है हर एक रो में नहीं है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे आई मान लेते हैं रो, तो i1 तो मतलब कॉलन भी 1 होगा, j भी 1 होगा, मैक्सिमम 1 होगा j। अगर i2 है तो जे भी आपका जो है 2 होगा, 1 से 2 होगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे 4j=1 2 हमने कर दिया आई, कि जितना आई होगा ना उतना ही जे चलेगा, नेक्स्ट नेक्स्ट जे। और यहाँ पे हमें सिंपल सा सेल्स, सेल्स में आई हमारा रो हो गया, जे हमारा कॉलन हो गया, और हमने कर दिया डॉट वैल्यू इक्वल टू स्टार। हमने क्या किया, डॉट वैल्यू इक्वल टू स्टार। ठीक है, हाँ अब मैं इसको प्रोसीजर के साथ 1 बाय 1 रन करता हूं, देखिएगा। अब यहां पे आई है और देखिए जे इक्वल टू 1 2 1, मतलब कि आप देखेंगे एक सेल में सिर्फ उसने स्टार डाल दिया। फिर हमने वापस थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो स्क्रीन आपको देखेगा क्या कर। फिर हमने यहाँ पे एफेक्ट किया, तो इस बार आई जे कितना है, जे आई कितना है 2, मतलब कि जे अब 2 बार चलेगा, मतलब दूसरे नंबर रो और पहले नंबर कॉलम में वैल्यू डाल दिया, फिर दूसरे नंबर रो और दूसरे नंबर कॉलम में वैल्यू डाल दिया। फिर वापस नेक्स्ट पे आया, अब नेक्स्ट आई का मान बढ़ा दिया, आई हो गया अब 3,
अब क्या होगा, जे वन टू थ्री चलेगा। तो पहले बार यहाँ पे देखिए, रो वन रो थ्री और जे वन मतलब कि यहाँ ए थ्री में आएगा और इसने स्टार डाल दिया। फिर यहाँ देखिए आई थ्री मतलब रो थ्री और कॉलम नंबर टू इसमें एक स्टार डाल दिया। फिर यहाँ पे देखिए आपका रो नंबर थ्री और कॉलम नंबर थ्री और तीन कॉलम डाल दिया। अब देखा कि यहाँ पे आई खत्म हो चुका है, तीन तक चल रहा था, तो नेक्स्ट आ गया। नेक्स्ट में फिर वापस गया और देखिए आई यहाँ पे वन और जे वन और इसी तरह से वैल्यू ये आपका डालता चला गया। दिख रहा है, तो अच्छा एक हाफ पिरामिड का शेप इसने दे दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे एक एक और माइक्रो बनाना है। कि पिरामिड तो है लेकिन मैं इसको इस तरह चाहता हूँ, हाफ पिरामिड इस तरह से चाहता हूँ, इस तरह। दिख रहा है सर, इसी अपोजिट तरह वे ओके अपोजिट में। ये अपोजिट में कैसे बनेगा, इस तरह का, समझे? हाँ जी तो इसके लिए भी हम सेम कोड को रन करेंगे। ये जो रिपोर्ट दिख रहा है आपको, सेम कोड को रन हाँ करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम कर देते हैं टू, और ये सब कुछ सेम हो। बस हमने हमें क्या करना है कि यहाँ से इस तरह की तरफ आना है। तो हमने जे को बोला सिक्स माइनस जे, हमने सिक्स को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। आप देखिए वनस्कस एफेक्ट, अब इसमें हमारा क्या हुआ कि जे वन टू वन चलेगा, छः माइनस वन कितना होगा, फाइव। तो पांचवें नंबर में वो एक स्टार को रख दिया, रख दिया सर। फिर वापस चला, ये देखिए जे इस बार क्या है, दो बार चलेगा। तो ये पांचवें नंबर रो में रखा और फिर अब जे माइनस टू होगा तो चौथे नंबर रो में रखेगा। फिर वापस सेम चलेगा और फिर आप देखिए पहले यहाँ पे पहले तीन रखेगा तो इधर ना, तो क्योंकि माइनस कर दिया तो ये घटते हुए क्रम में जे बने वापस आ रहा है, जिससे मेरा ये हाफ पिरामिड बन गया। अब मुझे फुल पिरामिड बनाना है तो कैसे करें, तो ये जो लाइन हमने लिखा था इस लाइन को आप यहाँ नीचे डाल सकते हैं। इसमें क्या हाँ करेंगे सर, क्योंकि इसमें तो फिर इधर इधर इस तरह से चला जाएगा ना, फिर इस तरह से आएगा, हमें यहाँ से इस तरह से लेके जाना है। तो कुछ नहीं, आप इसके अंदर जो आपको जे को जो माइनस है ना, वो आप आपका जे प्लस हो जाएगा, जे प्लस बराबर आए, समझे? नहीं, ऊपर तो सही है, सॉरी यहाँ तो सही रहेगा, माइन यहाँ पे नीचे वाले हाँ में नीचे अच्छे जे हाँ प्लस आए। अब देखिए कि आपका फुल पिरामिड बनाएगा, क्या बनाएगा, फुल पिरामिड। वो जे प्लस 5 -5 होगा ना -6 होगा ना जे माइनस सिक्स सिक्स माइनस जे वो अलग है ना, सेम ही है ना, जे जे माइनस सिक्स की या सिक्स माइनस जे की, बात तो बराबर ही है ना। अच्छा अब देखिए कैसे रन हो रहा है, दिख रहा है सर, हाँ इस तरह से रन होगा। अगर पूरा कर दें तो कुछ इस तरह से हो जाएगी, और इनको भी सिलेक्ट करके मैं हो गया पिरामिड। हो सही सही तो दो क्वेश्चंस मैंने आपके साथ सॉल्व किए, राइट? अब इन या आ बाकी के जाए दो क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। बाकी के दो क्वेश्चन क्या है, चलिए इस पे हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं कोड लिख देता हूँ, दो क्वेश्चन ये है कि मुझे इसको अभी देख पा रहे हैं कि डबल डबल बन रहा है ना। बराबर तो सबसे पहला है आपको क्या करना, यहाँ पे मैं पेस्ट स्पेशल करके पेस्ट एज ए पिक्चर कर देता हूँ, ठीक है? और हाँ ये भी हम कर देते हैं कॉपी, यहाँ पे पेस्ट एज ए पिक्चर। अब आपका जो क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन है कि इस तरह से होना चाहिए, ठीक है? हाँ हाँ सिंगल आएगा ओके ठीक इस तरह से, राइट? हाँ पहला क्वेश्चन आपका है कि आपको पिरामिड जो बनाना है वो आपका इस तरह का होना चाहिए।
उसके बाद आपको इसको करना है, इसी को ले लेता हूँ। हाँ, इसको आपको कर देना है क्वेश्चन नंबर टू में, आपको इसको नीचे की तरफ कुछ इस तरह से क्वेश्चन नंबर, फिर इसी को आपको यहाँ पे ये उल्टा वाला जो है उस पर रखना है, कहता है क्वेश्चन नंबर, फिर इन दोनों को मिलाना है और मिला के उल्टा पिरामिड बनाना है। ठीक है सर, हाँ जी, ये उल्टा पिरामिड बनाना, फिर इन सबों को सेलेक्ट करके और यहाँ, ओ सॉरी, ओहो ठीक है सर, सही, फोर तो ये आपका क्वेश्चन फोर एंड फाइव। और क्वेश्चन फाइव। अब ये आपको बना के मुझे भेजना, हाँ सर, ठीक है, हाँ जी, और फिर अगली क्लास में हम इससे आगे चीजों पे बात करेंगे। हाँ सर, श्योर।